हेलो दोस्तों, आज आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं इंटरेस्टिंग जीके पार्ट 14 लेकर आया हूँ। दोस्तों, इंटरेस्टिंग जीके पार्ट 14 में मैं आपको बताऊंगा कि रेल और रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे लगा बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, हमारी मातृभाषा हिंदी है। 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में हिंदी को बहुत कम लोग बोलना पसंद करते हैं, इंग्लिश की तरफ लोगों का आकर्षण ज़्यादा है, जबकि हिंदी भाषा का ज्ञान होना इंग्लिश से भी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ट्रेन को हिंदी में कहते हैं लोपतगामिनी। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे तक चली थी। इस ट्रेन में 400 पैसेंजर थे। और दोस्तों, रेलवे स्टेशन को हिंदी में लोपतगामिनी विराम बिंदु कहते हैं। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, जिसकी लंबाई 1366 मीटर है। भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। अच्छा नहीं भी लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, अगले वीडियो में सुधार किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।